ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसको ड्रॉ करके ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, बोलते जाइए। ये दो डबल लाइन है, ठीक है, ये पटरी है, ट्रेन का पटरी, ठीक है, एक है अप एक है डाउन। इसके बाद देखो ये है लूप लाइन, इसको बोलते हैं लूप लाइन, मतलब समझा? लूप लाइन इधर, लूप लूप लाइन मतलब समझता है क्या होता है? लूप लाइन का मतलब होता है कि कोई भी हर एक स्टेशन में एक लूप लाइन बना हुआ रहता है, जो भी स्टेशन होता है उसमें एक लूप लाइन इसलिए रहता है कि कोई भी अगर एक्सप्रेस ट्रेन आएगा, नहीं कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन अगर आएगा उसमें अगर कोई ट्रेन मालगाड़ी या कोई पैसेंजर नहीं, अगर मान लो कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, ये तरह मैप बन के ये भी पटरी है, ये भी पटरी है, ये पटरी, ये पटरी, ठीक है, ये सारा पटरी है और ये तरह मेन लाइन है, ठीक है, ये आ रहा है हावड़ा से, मतलब ये हो गया मंडीपुर, नहीं नहीं ये हावड़ा से ट्रेन आ रहा है, कहाँ जाएगा? चेन्नई, ठीक है, और ये चेन्नई से जा रहा था हावड़ा, ठीक है, तो जो भी एक जैसे मान लो इसमें अगर एक पैसेंजर ट्रेन जाएगा, पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि हर एक छोटा स्टेशन में वो रुकेगा तो रुकेगा, तो हर एक छोटा स्टेशन में अगर रुकेगा तो एक्सप्रेस एक जो गाड़ी आता है उसको पार कराने के लिए एक लूप लाइन बनाया जाता है, या कोई इस ट्रेन में इस पटरी रूट में अगर कोई मालगाड़ी रहेगा तो मालगाड़ी अगर इस ट्रेन में आ रहा है, इस रूट में आ रहा है, तो अगर इसके पीछे अगर कोई एक्सप्रेस गाड़ी आ रहा है तो उसको फिर लूप लाइन में घुसाएगा, यहाँ खड़ा करके एक लाइन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, क्लीन मतलब इसको क्लीन क्लियर नहीं समझता है, मतलब ये रूट क्लियर खाली खाली, तो जैसे ये ट्रेन एक जो मालगाड़ी था वो लूप लाइन में घुस के यहाँ खड़ा था, तो हावड़ा से जो ट्रेन आ रही थी वो ट्रेन पार हुआ, ठीक है, मान लो इसका इंजन यहाँ है लेकिन दो तीन डब्बा इसका इधर ही रह गया, तीन डब्बा जो हर एक ट्रेन में दो या तीन डब्बा आगे पीछे जनरल बॉडी का, तो ये जो था हावड़ा से जो आ रहा था, समझा, हावड़ा से जो आ रहा था वो ट्रेन इधर से आ रहा था, चेन्नई से ट्रेन जो इधर से जा रही थी, तो यही लूप लाइन में था ये गाड़ी मालगाड़ी, अब इसका जो यहाँ पे डाइवर्ट होता है, एक पटरी डाइवर्ट होता है, जो ऐसे सटा देगा तो वो इधर कट जाएगा, यहाँ पे फॉल्ट था, ग्रीन सिग्नल यहाँ था और ग्रीन सिग्नल यहाँ भी था, जो गाड़ी का ड्राइवर देखा ग्रीन सिग्नल है तो वो अपना उसका पिकअप था 128 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, मतलब इतना अगर स्पीड में गाड़ी ग्रीन लाइट देखने के बाद भी घटाया नहीं किसी उसको गाड़ी क्या हुआ कि जैसे यहाँ पहुँचा गाड़ी ऑटोमेटिक इधर घुस गई, जब इधर घुसा तो ड्राइवर ने सोचा क्या हुआ, यहाँ जो गाड़ी खड़ा था मालगाड़ी उसके ऊपर इंजन चढ़ गया, समझा, इसके ऊपर इंजन चढ़ गया, इधर चेन्नई वाला गाड़ी चढ़ गया तो इधर से कौन गाड़ी जा रहा था, कोरोमंडल चेन्नई तरफ जा रहा था, ये कहा हुआ कि जैसे ये गाड़ी यहाँ चढ़ा तो वो गाड़ी इधर उधर पलटा, जैसे पलटा तो इसका तीन बोगी इसके चपेट में आ गई, इसका चपेट मतलब पीछे का पीछे का निकल चुका, लेकिन इसका तीन बोगी बचा हुआ था, वो जैसे इसके इंजन में चढ़ा जैसे वो गाड़ी गिरा एक दो बोगी इधर गिरा तो ये बोगी इसको झटका मारा, ये तीन डब्बा इसको झटका मार के इसको भी गिरा दिया, इसको तो गिरा ही गिरा इधर मालगाड़ी, इसके कारण बहुत सारा कोरोमंडल हो चाहे कोई भी ट्रेन, हम दो ट्रेन का बात कर रहे हैं, अब उसका नाम कोरोमंडल बोल दो या कोई चेन्नई एक्सप्रेस बोल दो, हम बोल रहे हैं तो इसमें फॉल्ट किसका है, फॉल्ट यहाँ पे जो ट्रैक है ना ट्रैक इसका फॉल्ट है यहाँ पे, अगर ये ट्रैक इसमें नहीं चिपका हुआ रहता मतलब ये लूप लाइन में अगर ज्वाइंट नहीं रहता तो ये ट्रेन इधर नहीं घुसती, फॉल्ट यहाँ स्टेशन मारते यहाँ रेड सिग्नल देना पड़ता है, हाँ रेड सिग्नल देना पड़ता था तो गाड़ी हो सके उधर रोक देता, रुकता कि नहीं रुकता, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे फॉल्ट था स्टेशन मास्टर, समझ गया,